दूसरी कंपनियां जब भारत के बारे में बात करती हैं तो भारत को एक बाजार के रूप में देखती हैं। पतंजलि योगपीठ ऐसी कंपनी है, पतंजलि ऐसी संस्था है जो भारत को एक बाजार के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में देखती है। दूसरी कंपनियां केवल सामान बनाती है, पतंजलि के माध्यम से केवल सामान नहीं बनाया जाता बल्कि अच्छे इंसान बनाने का काम भी आपकी संस्था, आपकी पतंजलि योगपीठ के माध्यम से होता है। दूसरी कंपनियां व्यापार करने का, कारोबार करने का कार्य करती हैं, आपकी संस्था ऐसी संस्था है जो व्यापार और कारोबार करने का काम नहीं करती बल्कि उपकार और परोपकार करने का काम करती है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका मालिक कोई एक व्यक्ति है, पतंजलि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं है, 130 करोड़ भारतीय जिसके शेयर होल्डर हैं, जिसके मालिक हैं। दूसरी कंपनियों के जो CMD होते हैं, जो निदेशक होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं, वो 15-15 करोड़ रुपए की सैलरी लेते हैं, 8 घंटे मुश्किल से काम करते हैं, और जो 8 घंटे भी काम करते हैं और उसके बाद जो अपना जीवन जीते हैं वो ऐशो आराम में राजा महाराजाओं जैसा जीवन जीते हैं। पतंजलि योगपीठ ऐसी संस्था है, आपकी पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसको जो चलाने वाले श्रद्धे आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज है वो हवाई चप्पल पहनते हैं, मात्र 2 वस्त्र पहनते हैं, कोई अकाउंट नहीं रखते, अपने जेब में 1 रुपया भी नहीं रखते। अपना भारत ऐसा देश है जहां त्याग की पूजा होती है, यहां पर सोने की लंका जिनके पास थी ऐसे रावण की पूजा नहीं होती, यहां तो ऐसे राम की पूजा होती है जो जंगल में रहते थे, जो जमीन पर सोते थे, जो कंदमूल खाते थे, ऐसे राम की पूजा पूरे भारत में होती है। आज यदि भगवान राम के आदर्श, भगवान राम की मर्यादाओं को कहीं देखना है तो हम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धे आचार्य जी के रूप में देख सकते हैं, जो जमीन पर सोते हैं, 2 वक्त थोड़ा सा खाते हैं, 2 वस्त्र पहनते हैं और केवल देश व समाज के लिए काम करते हैं। पतंजलि के ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि करीब 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें आज भी हम पूरे देश में मार्केट के को लीड करते हैं, चाहे वो फूड में चाहे नॉन फूड में। लेकिन जब 10 से ज़्यादा है, बाकी में अभी हम लोग बस मेहनत की कमी है। आप में से खुद गए होंगे, बाजार में देखा होगा कि जहाँ कोई सेल्समैन गया ही नहीं या गया तो कोई 6 महीने में भूला भटका चला गया, कब ज़्यादा ही प्रेशर आया तो। कितने ऐसे DSMs हैं जिन्होंने मार्केट किया और पता लगा कि बाजार में वो पहली बार दुकानदार के पास गए, वो हाथ उठाना, पहली बार गए, उसके पास कोई गया ही नहीं था, नीचे कर लो। उन दुकानों के ऊपर जाना है अब आपको, क्योंकि हमारी जो इसका मतलब आप लोग अभी स्टार्ट ही किए हो, जब जाएंगे तो पता लगेगा जिनको करीब 50% नई दुकान मिली वो हाथ खड़े करो कि जब दुकान कर रहे हैं वो। 200 तो 100 दुकानों पर तो कोई जाता था कभी कभी, 50 पर नहीं जाता था, कहीं कहीं ज़्यादा है। ये कौन सा एरिया है, कहाँ से हो आप लोग, खड़े हो ना, मेरठ, उसके पीछे शाहजहांपुर, उसके पीछे बरेली, ठीक, नीचे कर लो। कहीं जगह तो कोई गया ही नहीं कभी, कभी गया तो कोई कभी कभी गया, महीने में कोई एक बार जाता है, ऐसी स्थिति है। और आज आपको बोला है आपको बीट कैसे करनी है, पैदल करके वॉकिंग बीट करनी है, बोला ना, क्यों बोला गया है, जिससे कि 100% हमारी डायरेक्ट कवरेज हो। उसी से ही आज जहां पतंजलि खड़ा है कई गुना आगे बढ़ जाए, और इसीलिए ये सारी फोर्स लगाई है। कितने ऐसे लोग DSMs हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट के अलग अलग SKUs की शॉर्टेज है, वो हाथ उठाओ। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट के SKU की, एक प्रोडक्ट तो है, दंतकांति तो है लेकिन एक ही है, दंतकांति नेचुरल है, ऐसे तेल तो है, एक दो ही है, जिनके प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है वो हाथ उठाओ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। चलो नीचे कर लो, अच्छी बात है, चलो
आज आपको बोला ना, एक भी प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए और एक भी पीस, क्या बोला जोर से बोलो, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में बोला कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का कोई भी एसकेयू एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एक भी एसकेयू, एक भी पीस। इस तरह से आपको जो है पूरी ऊर्जा के साथ इस काम को करना है। तो थोड़ा आपका बैकग्राउंड पूछ के फिर पूज्य आचार्य जी से आगे का मार्गदर्शन लेते हैं। पतंजलि में सब का समावेश हमने किया है, हिंदुओं के साथ मुसलमान बच्चों को भी रखा हमने, अपने ASM से लेकर के SO से लेकर के DSM तक। कितने ऐसे बच्चे हैं DSM SO या ASM आदि में, ZM आदि में, जो मुस्लिम परिवारों से हैं बच्चे, वो हाथ उठाना, एक बार जरा हाथ उठा के रखो, एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए इनका। और हमने बार बार कहा है कि पतंजलि में प्रगति का आधार जो है वो आपका काम है, और जो मुस्लिम बहुल एरिया वहां तो हमको DSM SO वो रखना ही है, और जो योग्य है उसको भी रखना है। और आगे भी हमारे जितने भी ASM यहाँ और ZM यहाँ पर बैठे हैं, आचार्य जी पूरे नॉर्थ वन के और नॉर्थ टू के, क्योंकि इधर मीटिंग नहीं हुई थी तो अगले महीने में होगी, तो उन सब ZMs को भी बुलाया यहाँ पर, ZM लोग एक बार से भी खड़े हो जाएंगे। आचार्य जी फूड नॉन फूड के ZMs हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन कीजिए सबका, बैठ जाए। तो ये कार्य अब एक साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने को आगे बढ़ाना है। और आचार्य जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही DSM और अपने उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में हमने 3 साल पहले मैंने इस बात को बोला था कि मुझे 4-5 स्टेट चाहिए जहां पतंजलि को नंबर वन करना है, और उसमें उत्तराखंड सबसे आगे आया जहां पतंजलि नंबर वन हुआ है। यहाँ पर आचार्य जी हम यूनिलीवर से, यहाँ कोलगेट से, नेस्ले से, किसी भी विदेशी कंपनी से हम ज़्यादा सेल करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो यहाँ के हमारे ASM से लेकर के SO से लेकर के ZM तक, ये अभी तो आप लोग तो नंबर वन होने के बाद में आए काफ़ी, तो लेकिन उस स्थिति को मेंटेन किए हुए हैं, और एक एक एरिया की प्लानिंग करके उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसी तरह से वहाँ सेल्समैन, रेडी स्टॉक, ज़्यादातर तो रेडी स्टॉक काम करता है पहाड़ के इंटीरियर इलाकों के अंदर। और इसमें हमारे जो SO हैं एक बार खड़े हो जाएंगे, SO और ASM, ये पुराने बच्चे हैं आचार्य जी, और उत्तराखंड वाले ये आचार्य जी, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और ऐसे ही यूपी में हम अभी काम करना है, तो यूपी में हम नंबर वन हो गए तो हिंदुस्तान में नंबर वन हो जाएंगे। जो यूपी जीतता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो यूपी जीतता है वो देश के ऊपर अपना स्थापत्य, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो। तो उत्तराखंड में जब पतंजलि नंबर वन हो सकता है विपरीत परिस्थितियों के बीच में, तो उत्तर प्रदेश में नंबर क्यों नहीं हो सकता रहा नंबर वन? एक ही तो स्टेट थे, तो थोड़े दिन पहले तो अलग हुए। और इसमें हमारे सारे SO और सारे ASM ने बहुत मेहनत की, अब ZMs भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उत्तराखंड वाले ZMs भी खड़े हो जाओ। अभी जो है जोरदार काम कर रहे हैं, इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बैठ जाओ बेटा। और आचार्य जी इसकी नींव रखी थी भविष्य पंडित जी ने, उस समय वो ZM हुआ करते थे यहाँ के, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली है। एक प्रॉपर वे में प्लानिंग करना, नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक, गांव तक, तब जा करके हम आगे बढ़ते हैं। और अभी भी उत्तराखंड की आबादी टोटल कितनी है? 1,10,00,000 जो भी होगी, 1 करोड़ के आसपास है। या हम कितना मंथली सेल करते हैं फूड नॉन फूड दोनों मिला के? 23 करोड़ के आसपास हम लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। 1 करोड़ की आबादी में सेल कितनी?
23 करोड़ की, इसके हिसाब से यूपी के कैलकुलेट कर लेना, 4,80,000, करीब 5 लाख की आबादी है, करीब 5 लाख की आबादी आचार्य जी अंडमान निकोबार की, वहां अपने 2 करोड़ की सेल करते हैं हम लोग मंदिर, 5 लाख की आबादी में। तो आपके तो एक एक जिले में कितनी आबादी है, जो बोल रहे थे ना कि 1 लाख की आबादी में तो हमें एक ही चाहिए, उसको फैलाना है। तो ये थोड़ा सा, अब जो लोग नई ऊर्जा के साथ आए हैं, बस उनको काम करना है, और जैसा बताएं आपको एक एक चीज का प्रोसीजर पूरा समझाया है, उस तरह से इस तथ्य को आगे बढ़ाना है। पूज्य आचार्य जी के पास में बहुत कार्य है, उसके बाद मैं आपसे फिर दोबारा संवाद करूंगा। और यह जो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और उसके पीछे वर्षों का तप, पुरुषार्थ और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं, प्रार्थनाएं, सद्भावनाएं और भगवान के अनुग्रह आशीष से आज पतंजलि देश के 9000 ब्रांड्स में तो नंबर 1 ब्रांड है ही, 2025 तक पतंजलि दुनिया का FMCG में नंबर 1 ब्रांड होगा। इस तरह से अपने को कार्य करना है, इस तरह से अपने को पुरुषार्थ करना है, और पूरे पराक्रम के साथ अपना सब कुछ इसमें झोंक करके जो काम करो उसमें अपना कुछ बचा के मत रखो। फिर देखो, आपको आपका प्रारब्ध और आपका पुरुषार्थ, अपने बड़ों का आशीष, गुरुओं का आशीष और भगवान की कृपा से वो सफलता, वो कामयाबी मिलती है जिसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। पूज्य आचार्य भाषण जी और हम खुद एक कृषक परिवारों में, साधारण परिवारों में, अनपढ़ माँ बाप के घर से, सरकारी स्कूलों और गुरुकुलों से पढ़कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हम अंधेरी गलियों से उठ करके और अपने पुरुषार्थ के बल पर, भगवान के आशीषों कृपा के बल पर यहाँ पर बैठे हैं, तो हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं, चाहे आप कितने ही कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए, आप पुरुषार्थ करेंगे तो खुद भी ऊंचा उठेंगे और पतंजलि को भी कामयाबी के शिखर तक लेकर के जाएंगे। और यह कि मंत्र काम करो, बस इसमें आपकी कभी कोई जाति नहीं पूछी जाती कि आप किस जात के हैं। हमारे यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी और हिंदू के साथ मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई किसी की जाति नहीं पूछी जाती, बस काम पूछा जाता है, और वो सब आपने करके दिखाया है। मैंने तो सारे शिविरों में पूछा, आचार्य जी सारी जातियों के लोग अपने इसमें संगठन में, और सबको ये है कि पतंजलि में सबके लिए खुले हुए द्वार हैं। अभी सबरीमाला मंदिर में हो रहा है कि वहां स्त्रियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अभी हज यात्रा चल रही है, वहां पर नॉन मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकते, हर की पैड़ी के ऊपर मुस्लिम स्नान नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर पाबंदियां हैं कि यहां नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते, यहां नॉन हिंदू नहीं आ सकते, ऐसे बहुत से मंदिर हैं, ऐसे बहुत से तीर्थ हैं, ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से मुस्लिम नॉन मुस्लिम का भेदभाव होता है, फिर जातियों का भेदभाव होता है। पतंजलि एक ऐसी संस्था है जिसमें सब जातियों के, सब मजहबों के, जो पवित्रता और प्रामाणिकता से कामयाब काम करना चाहते हैं, उन सबके द्वार पतंजलि के लिए खुले हुए। आप सबने एक ही साथ नीचे भोजन किया, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और आप में से ब्राह्मण भी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ब्राह्मण परिवारों से पैदा होकर के आए हैं, जरा हाथ उठाओ, बहुत अच्छी बात है, नीचे कर लो। कितने ऐसे हमारे बच्चे हैं जो अभी DSM, AS और सब ZM तक बैठे हैं। कितने ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के साथ साथ जो वैश्य परिवारों से आए, वो हाथ उठाओ, वैश्य वाले भी हैं, नीचे कर लो। थोड़ा वैश्य अपने व्यापार में ज्यादा लग जाते हैं, तो आए तो हैं। कितने ऐसे हैं जो राजपूत परिवारों से आए हैं, अब दो अलग अलग कर रहा हूं आचार्य जी, आचार्य जी राजपूत भी बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि पहाड़ में और यहां भी, तो बहुत जोरदार काम है, नीचे कर लो। और मैंने राजपूत इसलिए पूछा आचार्य जी, OBC अलग कोटा है, इसमें अहीर, जाट, गुजर, बहुत कुछ है मामला,
तो जो ओबीसी वाले हैं वो हाथ उठाओ, बहुत तरह के ओबीसी हैं। ओबीसी कहने से आचार्य जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जरा जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आजकल राजनीति में भी ओबीसी बड़ा भयंकर चल रहा है और यहां पर भी ओबीसी खूब है। आचार्य जी जो दलित और वाल्मीकि परिवारों से हैं, उन बच्चों को भी हमने सन्यासी भी बनाया, अपने आचार्य भी बनाया, और यहां पर भी वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि लंगर, हम कोई जो है भेदभाव, रैदास लंगर, हम कोई भेदभाव नहीं करते, सब महापुरुषों को गौरव देते हैं और उसको अपने आचरण में उसको लाते हैं। वाल्मीकि और दलित परिवारों से कितने बच्चे आए वो भी हाथ उठाओ जरा, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ये भी हमारे 25-30 से ज्यादा बच्चे, कोई भेदभाव नहीं है पतंजलि में, सबके लिए पतंजलि है और काम करने वालों के लिए पतंजलि है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा सोच लिया जाता था, अरे यहां तो इनका बोलबाला है, यहां तो इस जाति का बोलबाला है, और दलित वनवासी के बाद और तो कुछ बचा नहीं सर है जी, जाट रह गए, जाट बच गए, जाट हाथ उठा लो भाई, एक बार इन जाटों के लिए भी ताड़ी बजा दो भाई जोरदार। ये अभी कहीं कहीं ओबीसी में आ गए, कहीं कहीं नहीं आए, संघर्ष चल रहा है अभी। तो जो है सात जाति है आचार्य जी, सब मजहब है यहां। तो एक बार यहां सारा भारत का प्रतिनिधित्व होता है पतंजलि के किसी भी काम में, एक बार सबके लिए अभिनंदन है, और पूज्य आचार्य जी सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय वंदनीय, जिनके तप और पुरुषार्थ से पतंजलि का यह भव्य स्वरूप आज पूरे विश्व के सामने दिखाई देता है, शायद महर्षि पतंजलि ने भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, तुम्हारे में से कितने लोगों को पता है कि पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? ठीक, अच्छा बैठ जाओ नीचे, ठीक है। पतंजलि ऋषि जो हुए, उन्होंने योग की जो विधा है और शास्त्रों की भी रचना करी, स्वास्थ्य शास्त्रों की भी, व्याकरण शास्त्र के लिए भी उन्होंने काम किया, परंतु मुख्यतया उन्होंने योग के लिए काम किया। तो जो महर्षि पतंजलि योग सूत्र करके, जिसको योग दर्शन कहा जाता है, वह योग का अद्भुत ग्रंथ है कि योग क्या है, हमारे अंदर उठते हुए भाव क्या हैं, उनका निरोध कैसे किया जा सकता है, यानी कि एक अच्छा सा आदमी कैसे बन सकता है इंसान, उसके उपाय बताए गए हैं उसके अंदर। और इस जीवन में आनंद के साथ में, जीवन के बाद भी कैसे आनंद में पहुंच सकता है, जीवन के जो दुख हैं उन दुखों से कैसे निवृत्त हो सकता है, सुख आनंद को कैसे पा सकता है, यह सब कुछ उन्होंने बताया। वैसे भगवान शिव को आदि प्रणेता ऐसा मानते हैं कि योग का जो उन्होंने प्रचार किया, हालांकि योग का वर्णन वेदों में वेद से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु वर्तमान युग में योग के संदर्भ में जो कुछ भी आज उपलब्ध है उसमें से यदि हम कहें कि जो योग के प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, ठीक है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस आश्रम का नाम, यदि श्रद्धेय स्वामी जी चाहते तो इसका नाम बाबा रामदेव रख लेते जैसे दूसरों ने रख रखा है। तो इससे आपको एक ये महसूस होना चाहिए कि श्रद्धेय स्वामी जी के मन में, उनके हृदय में वह जो भाव है, वह हमारे जो पूर्वज हुए या जिन चीज़ों को हम काम कर रहे हैं उसके लिए जिनका योगदान रहा है, हमें उनको प्रश्रय देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। इसीलिए इस संस्थान का नाम
पतंजलि योगपीठ रखा गया। उन्हीं महर्षि पतंजलि के नाम पर पतंजलि आयुर्वेद का नामकरण किया गया। तो इस तरह की जिनके हृदय में स्वयं से ज़्यादा अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को, वीरों को, शहीदों को, क्रांतिकारियों को और राष्ट्र को और संस्कृति को जो प्रश्रय देता हो, उस व्यक्ति का नाम है श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी। तो हमको क्या बनना है कि जब हम कार्य करें, कार्य क्षेत्र में रहें, तो आपको यह प्रयास करना है कि जितना भी आप काम कर सको, जितना भी आप आगे बढ़ सको, साथ में औरों को भी सम्मान और प्रश्रय देना आप सीखते हुए आगे बढ़ सको। क्योंकि जब काम होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने काम किया है, जब काम बिगड़ता है तो हम ढूंढते हैं कि जिससे कि हम कारण ना बने कि मैं कह सकूं कि इन इन लोगों ने काम नहीं किया इसलिए काम बिगड़ गया। तो ऐसा ना हो, हम सोचें कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे आप लोग अभी एक कार्य में लग गए हैं, यह व्यवस्था, ये जो पतंजलि की व्यवस्था है, संस्थान का स्वरूप है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया, सभी लोग आप लोगों को बताएंगे भी, पहले से भी अलग अलग रूपों में आप जानते होंगे, पर इतना ही आप समझिए कि पतंजलि, अभी मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ कि आज यदि आयुर्वेद को लेकर के पूरी दुनिया में एक आकर्षण बढ़ा है, लोग आयुर्वेद के प्रति उनकी रुचि बनी है, तो ये किसी की सरकार की नीति से नहीं बढ़ी, किसी कॉरपोरेट हाउस की वजह से नहीं बढ़ा, किसी लाला जी ने नहीं करा, किसी बाबा जी ने नहीं करा, किसी कंपनी ने नहीं करी, तो ये कहाँ से बना? यह सिर्फ पतंजलि की वजह से बना, ये स्वामी जी के पुरुषार्थ की वजह से हुआ। इसी तरह से योग को लेकर के आज जो मानसिकता है, जो सारे लोग अभी योग कर रहे हैं, तो हमने ही यह बात योग के साथ साथ में पतंजलि को, श्रद्धेय स्वामी जी को इस बात के लिए भी श्रेय जाता है कि हमने कहा कि योग वह संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, वो कंप्लीट मेडिकल साइंस है। मैं एक बात कहता हूँ, ये हमको गर्व होना चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हमारे पूर्वज एक ही थे, हमको इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि योग हमारी पूर्वजों की परंपरा है, उन पूर्वजों की देन है। और यदि मान लीजिए कि वो योग को बनाने वाले, आयुर्वेद को बनाने वाले पूर्वज यदि वो कोई भी परंपरा को मानते हों, चाहे हमारी पूजा पाठ की पद्धति बदल बेशक गई हों, इस बात के लिए हमें हमेशा गर्व करना चाहिए, थे तो हमारे पूर्वज, एक बात। दूसरी बात, वो एक तरह से वो वैज्ञानिक थे, वह अनुसंधान करता थे, उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरे मानवता के लिए किया। यदि आप कोई एलोपैथिक गोली खाते हो, क्या आप ये देखने जाते हो कि इसको बनाने वाला, इसको खोज ढूंढने वाला कौन था? वह हिंदू था, मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, कौन था? आप ये देखने जाते हो ना कि वह गोली वास्तव में हमको लाभकारी है या नहीं है हमारे लिए। तो इसी तरह से इस योग की विधा को भी पूरी मानवता के लिए लाभकारी है, यह बताने का कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी ने ही स्थापित किया है। नहीं तो यह भी कहीं हिंदू मुस्लिम में बट गया था, कहीं ना कहीं एक दूरियां पैदा होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, मुसलमानों में भी आप लोगों के यहाँ भी बहुत सारी परंपराएं हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, दूसरे भी कई सारे हैं, तो सभी लोग आते हैं यहाँ पर।
और ये भी बड़ी विचित्र बात मैं बता दूं कि पतंजलि एक ऐसी संस्थान है जो मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, और सारे मुसलमान यहाँ इकट्ठे ही बैठते हैं। मेरे को एक दो बार कहा बड़े बड़े आपके मौलवी और बड़े बड़े मौलानाओं ने कि बोला जी वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा करना, आपकी जगह पर उनको मत बुलाना, उनकी जगह पर आप मत जाना, पर यहाँ तो आ जाओ। बोले आचार्य जी आप मानोगे नहीं। मैंने कहा हम नहीं मानेंगे, आप आ जाओ। तो यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। तो ये तो एक तरह से मैं कहूँ कि संपूर्ण मुसलमानों को यदि एक जगह पर लाना हो तो भी पतंजलि योगपीठ में इकट्ठे हो सकता है। इसी तरह से आप हिंदुओं में आ जाओ, जितने भी बाबा हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र के बड़े सब धुरंधर हैं, पर सब एक दूसरे के साथ बैठते कम हैं। पर पतंजलि ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हम संपूर्ण हिंदू संस्कृति सनातन वैदिक परंपरा के महापुरुष एक मंच पर एक जगह पर आकर के बैठते हैं, वो जगह पतंजलि है। इसी तरह से पीछे जो क्रिश्चियंस के फादर वगैरह हैं उनमें भी है, बपतिस्म है, कैथलिक है, वो भी नहीं जाते एक दूसरे के यहाँ। पर हम दोनों तीनों जितने भी उनमें शाखाएँ प्रशाखाएँ उधर नॉर्थ ईस्ट में तो हमारे कई सारे योग शिक्षक हैं, तो उन सबको भी इकट्ठा बैठाने का काम पतंजलि ने किया। सिख परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी की बड़ी जयंती का कार्यक्रम, वो अभी हमने पतंजलि में यही किया, देश का सबसे अद्भुत प्रोग्राम यहाँ से हुआ। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि इसको आप समझ करके रहिए। आप अपने घर में, हम किसी की पूजा पद्धति या मजहब या जो मान्यताएं आप जिसको मानते हैं, जिसको पूछते हैं, जहाँ जाते हो आप करते रहो, जिसको गुरुजी मानते हो, जिसको आप जिसके अपने आप को शिष्य मानते हो मानते रहो, हमको कोई ना बदलना ना हमने करना है। परंतु एक तो योग सभी करो, योग जरूरी है, सेहत ठीक रहे। योग अभी आप लोग कितने जने करते हो, हाथ उठाना, नीचे करो। नहीं करते हो कितने, बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाना। देखो ये ईमानदार भाई हैं, इनके लिए तो तालियां बजा देनी चाहिए। ये तो नहीं करने वाले हैं। अब वो बताओ जो कक्षाएं ले रहे हैं, कक्षाएं लेनी शुरू कर, जिन्होंने योग कक्षाएं लेनी शुरू कर दी है, देखो इतने भाई ले रहे हैं। तो भाई इतनी ही आपकी मेहरबानी, आप कर लें, वो आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए इतनी मेहरबानी कर लेना, तुम योग करनी शुरू कर देना, आपके लिए बहुत फायदा। ठीक है, वो अपने लिए तो करो ना, वो पतंजलि को क्या। अच्छा तुम योग करोगे, हमारा क्या होगा भाई, हमारा भी तो होगा लाभ। ईमानदारी से काम करोगे, महाराज जी कहते पैदल पैदल चलना है, धूप में भी चल सकोगे, सर्दी बरसात गर्मी में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, झुंझलाहट नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा। और 10 नंबर दे रखे महाराज जी ने योग करने के नाम के, 10 ही नंबर मिलेंगे, तो ये ध्यान रख लेना। तो 10 नंबर भी वो 100 होते हैं, और हर काम 100% प्रामाणिकता के साथ में और दक्षता के साथ में हम सबको करना है। और जीवन की यात्रा कहीं से भी किसी की प्रारंभ हो सकती है, आपको भी कहीं से तो शुरू करनी थी, कभी तो जुड़ना था। तो आपको एक ऐसा मौका मिला जहाँ से आपको एक अपने आप को इस देश के लिए, मैं दूसरी बात कहता हूँ, अब जैसे राकेश जी बहुत ज़ोरदार भाषण दे रहे थे, हमारे एक मुख्य केंद्रीय प्रभारी, तो वो एक बात कह रहे थे कि विदेशी कंपनियाँ एक तरह से हमारी दासता की प्रतीक हैं इस देश के लिए। जब हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जो स्वप्न देखा इस देश के लिए, उन्होंने सिर्फ स्वप्न देश के लिए देखा, स्वप्न परिवार के लिए नहीं देखा। उन्होंने ये सोचा कि देश का भला हो जाएगा तो हमारे परिवार का और आगे आने वाली पीढ़ियों का भला अपने आप हो जाएगा। पर आप कितने सौभाग्यशाली हो कि अपने परिवार का भला करते हुए, यानी अपने परिवार के भरण पोषण का साधन उत्पन्न करते हुए राष्ट्र सेवा का आपको इतना बढ़िया मौका मिला है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती।